हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मूर्ति वुड फ्लोर्स प्राइवेट लिमिटेड। आई एम उपेंद्र चौधरी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग के बारे में। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने पहले एक वीडियो बना चुके हैं बैडमिंटन कोर्ट के बारे में, लेकिन अभी हमने काफ़ी कमेंट्स देखे, हमारे वीडियोज़ में काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग किस तरीके से अप्लाई की जाती है, उसके क्या क्या प्रोसीजर है लगाने के, और कौन सी बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग बेस्ट होती है इंडोर के लिए, कौन सी बेस्ट होती है आउटडोर के लिए। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इंडोर एंड आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग। फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग की। आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग जब हम करते हैं फ्रेंड्स, सो उसमें सबसे पहले माइंड में आता है कि हम कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो हम आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग में यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो इसमें ऑप्शन आता है वो आता है सिंथेटिक बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग, क्योंकि आउटडोर कोर्ट है तो वहाँ पे बरसात और ये सब एवरी एटमोसफेयर वहाँ पर रहता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन देखना होता है कि क्या बेस्ट ऑप्शन है आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग के लिए। सो उसमें सबसे पहले सिंथेटिक बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग होती है जो नॉर्मली 3 लेयर्स और 5 लेयर्स के अंदर अवेलेबल होती है। नॉर्मली इसको पेंट बोलते हैं, मतलब एक 3 लेयर्स और 5 लेयर्स के अंदर पेंट कर दिया जाता है, जो भी आपका कोर्ट का साइज होता है 44x20 का। सो उस कोर्ट के अकॉर्डिंग हम उसमें पूरी उसकी 3 लेयर्स या 5 लेयर्स के अंदर कोटिंग की जाती है पेंट की। सो ये सब जो ऑप्शन है हमारा सिंथेटिक बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग का फ्रेंड्स, ये सबसे ऑब्सोलीट मेथड है, क्योंकि अब से 10 to 15 ईयर्स पहले की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस तरह की बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग यूज़ की जाती थी। लेकिन आज की अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, सो हमारे पास बहुत ही लेटेस्ट बैडमिंटन टाइप्स की जो बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। सो हम भी काफ़ी रेपुटेड कंपनी है बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग के अंदर, हमें काफ़ी इसके अंदर स्पेशलिटी है। सो मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो भी डिस्कस करूँगा, जो भी पॉइंट डिस्कस करूँगा, वो सारी लेटेस्ट ऑप्शन जो अवेलेबल मार्केट के अंदर हैं या जो हमारे पास अवेलेबल हैं उन सब के बारे में करेंगे। सो फ्रेंड्स, सेकेंड आउटडोर टॉपिक की अगर बात की जाए, सेकेंड ऑप्शन होता है रबर फ्लोरिंग। बेसिकली मैं बहुत ही छोटा सा पीस आपको दिखा रहा हूँ, आप पिक्चर्स के अंदर देखेंगे जो हमने आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट बनाए हुए हैं डिफरेंट साइड्स में अक्रॉस द कंट्री। सो ये बेसिकली 10 mm थिक, ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, दैट इज़ 10 mm थिक एंड इन साइज 20 inches by 20 inches। ये बेसिकली रबल फ्लोरिंग होती है जो नॉर्मली मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है। इसकी अगर प्राइसिंग की भी बात करें, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आते हैं वो प्राइसिंग को लेकर आते हैं कि सर आप कभी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिस्क्लोज नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक टेंटेटिव प्राइसिंग की अगर बात करूँ, सो ये जो रबल फ्लोरिंग अवेलेबल होती है नॉर्मली ये 75 to 110 rupees पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट के अंदर अवेलेबल होती है। डिफरेंट ये ब्रांड्स के अंदर अवेलेबल होती है, जैसे इको फ्लैक्स हो गया या और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं, जो मैं एक्चुअली किसी ब्रांड को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या मैं उनको स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ। सो यहाँ पर आप रबल फ्लोरिंग की जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं या जो भी डिफरेंट इंडोर या आउटडोर के अंदर जो भी रबल फ्लोरिंग मैन्युफैक्चरिंग करती हैं जो भी कंपनियाँ, उनमें से आप किसी भी फ्लोरिंग को यूज़ कर सकते हैं जो 10 mm थिक हो, 20 mm थिक हो या अप टू 25 mm तक हम आप इसको ले सकते हैं। बिकॉज नॉर्मली जब बैडमिंटन कोर्ट के अंदर फ्लोरिंग की जाती है तो उसमें 10 mm सफिशेंट होता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सोक एब्जॉर्प्शन अगर देना चाहते हैं सो उसमें आप अप टू 20 mm तक जा सकते हैं। ये आउटडोर के लिए दो ऑप्शन थे, सिंथेटिक बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग एंड रबर फ्लोरिंग, जो हमने आउटडोर में डिस्कस किए हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इंडोर बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग के बारे में। सो इंडोर बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो ऑलरेडी दो ऑप्शन जो हमारे पास हैं जो हम आउटडोर में यूज़ करते हैं, सेम ऑप्शन हम इंडोर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक रबल फ्लोरिंग के अंदर एक ऑप्शन और ऐड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पीवीसी फ्लोरिंग। पीवीसी फ्लोरिंग बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है, ये आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक्सल कंपनी की अवेलेबल होती है एंड इट इज़ 4.5 mm थिक पीवीसी फ्लोरिंग एंड इसकी इसके अंदर जो आपको शेड्स मिलेंगे वो काफ़ी रनिंग शेड्स मिल जाएंगे, जो मैपल फिनिश के अंदर, टिक फिनिश के अंदर एंड डिफरेंट जो भी वुड ग्रेन्स होती हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसकी जो साइज की अगर बात करें, दैट इज़ 4.5 mm थिक, 1.8 meter टू 2 meter इसकी विड्थ होती है एंड 25 meter इसकी लेंथ होती है। ये बेसिकली रोल साइज के अंदर अवेलेबल होती है फ्रेंड्स, आप इसको सिंपल लेट डाउन कर सकते हैं। इसको लेट डाउन के अलावा दूसरा जो ऑप्शन होता है इसके अंदर, आप इसको परमानेंट पेस्ट भी कर सकते हैं। परमानेंट पेस्ट करने के लिए आपको SR505, SR998 जो हमने पहले वीडियोज़ के अंदर भी आपको बताया हुआ है, किसी भी एडहेसिव की हेल्प से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं अगर आप परमानेंट पेस्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज नॉर्मली ये देखा गया है कि जो नॉर्मली पीवीसी फ्लोरिंग यूज़ करते हैं बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग के अंदर, वो इसको सिंपली पोर्टेबल बेसिस पर यूज़ करते हैं कि अगर हम इसको एक बार लेट कर सकते हैं, दोबारा से उसको रिमूव कर सकते हैं और उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में
भी अगर हमें कहीं पे उसको लेके जाना हो तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पोर्टेबल फ्लोरिंग होती है बेसिकली। फ्रेंड्स, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वुडन फ्लोरिंग बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन या अदर जो भी बैडमिंटन या स्क्वैश कोर्ट फेडरेशन होती हैं उन सब के द्वारा ये रिकमेंडेड फ्लोरिंग होती है। एंड इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हम इस फ्लोरिंग को किस तरीके से लगाएं और इसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी वुडन फ्लोरिंग के बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ। अभी आप जो ये पीस देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बेसिकली मैपल फ्लोरिंग है। इसके अंदर ये इंपोर्टेड मैपल फ्लोरिंग होती है। इसके अंदर टंगन ग्रुप होते हैं, आप ये ग्रुप देख रहे हैं इस साइड में, एंड दिस इज़ टोंग। एंड ये एक्चुअली फोर साइड टंगन ग्रुप होती है, ये कोई टू साइड ओपन मतलब ये टू साइड टंगन ग्रुप नहीं होती है, ये फोर साइड जैसा आप पिक्चर्स के अंदर देख रहे हैं। सो ये फोर साइड टंगन ग्रुप होती है फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं आपको अगर सेकंड वुड के बारे में बात करूं तो दैट इज़ टीक वुड। ये बेसिकली हमारी इंडियन टीक वुड होती है, जो दो आप सैंपल्स देख रहे हैं, दैट इज़ इंपोर्टेड मैपल फ्लोरिंग एंड दैट इज़ इंडियन टीक फ्लोरिंग। दोनों ही फ्लोरिंग रिकमेंडेड होती हैं बैडमिंटन इंडोर कोर्ट फ्लोरिंग के लिए। एंड इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी अगर बात की जाए तो दोनों ही रिकमेंडेड प्रोडक्ट हैं। दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर सोक अब्जॉर्प्शन इनबिल्ट इनकी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जब इसको हम इंस्टॉल करते हैं साइड पे, सो इसको इंस्टॉल करने का जो तरीका होता है हमने पहले भी वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ है, अभी मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। इसमें आप सबसे पहले इस तरह का जो आप ये सैंपल देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें ये सबसे पहले रनर्स आप देख रहे हैं, ये बेसिकली 63x38mm साइज़ के अंदर ये पाइनवुड के रनर्स होते हैं। इस रनर्स के अंदर भी हम दो तरीके के रनर्स यूज कर सकते हैं, एक पाइनवुड का रनर्स होता है, दूसरा शालवुड या टीकवुड का भी रनर्स आप यूज़ कर सकते हैं। और रनर्स के यहाँ पे जो एक एक फिट बाई एक फिट की डिस्टेंस पे हम 19mm थिक रबड़ पैड यूज़ करते हैं, एंड उसके नीचे का जो सब फ्लोर होता है वहाँ पे हम एक 0.5mm पॉलिथीन सीट यूज़ करते हैं, जो मॉइस्चर को रेसिस्ट करता है, यानी कि मॉइस्चर फ्लोर के अंदर नहीं आएगा, बैटन्स के अंदर नहीं आएगा, और पूरी तरह से हमारा जो फ्लोर है वो एक तरीके से मॉइस्चर प्रोटेक्टेड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इसको जो लगाने का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि आप इसको बैटन्स के साथ रबड़ पैड के साथ भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन फ्रेंड्स ये होता है कि हम ये मैपल फ्लोरिंग या टीक फ्लोरिंग, दोनों ही फ्लोरिंग होती हैं, ये बेसिकली अलग साइज़ के अंदर है। वो जो मैंने आपको सैंपल दिखाया था उसके अंदर जो हमारी मैपल फ्लोरिंग होती है वो 20mm थिक होती है, एंड इस फ्लोरिंग इसके अंदर आप जो ये देख रहे हैं दैट इज़ 12mm थिक, 12mm थिक, 70mm वाइड एंड 280 मीन्स 1 फीट इसकी लेंथ होती है। इस तरह का आप कोई भी साइज यूज कर सकते हैं, एंड इसको हम डायरेक्ट जो हमारा सरफेस होता है, जो हमारा कंक्रीट का सरफेस होता है उसके ऊपर आप डायरेक्ट इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये जो पेस्ट होता है नॉर्मली फेविकोल से पेस्ट होता है, और पेस्ट होने के बाद में इसकी 36, 60 और 120 थ्री फेस की जो सेंडिंग मशीन होती हैं, सेंडिंग पेपर होते हैं, उससे हम इसको सेंडिंग करके फाइनली इसमें लेकर या पीयू पॉलिश कर सकते हैं। सो जब हम बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग लगा रहे होते हैं हमने बैडमिंटन कोर्ट में, सो उसमें दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं वुडन के अंदर। एक होता है कि हम कंप्लीट पहले ग्रिड बनाएं, और ग्रिड बनाने के बाद उसके बाद हम उसके ऊपर से मैपल या टीक फ्लोरिंग यूज करें। जब हम ग्रिड बनाते हैं तो ग्रिड की जो डिस्टेंस होती है उसमें नॉर्मली 300mm या 450mm, 300 to 450mm के बीच की हमें उस बीच में डिस्टेंस रखनी होती है, मेंटेन करनी होती है सराउंडिंग, और हम जो कोर्ट की जो वुडन फ्लोरिंग करते हैं वो सराउंडिंग का लेंथ करते हैं, यानी कि जिस साइड में लेंथ ज़्यादा होती है उस साइड में टिकल हमारे पीसेस रखे जाते हैं फ्रेंड्स। सो बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स वो यही होता है कि हम उसके जो एप्लीकेशंस हैं वो किस तरीके के एप्लीकेशंस बेस्ट रहते हैं और कौन सा हमें अपने बैडमिंटन कोर्ट में यूज़ करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको बताया है वीडियो के अंदर वो दो ऑप्शन बताए हैं इंडोर बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग के लिए, कि आप इसको ग्रिड के साथ यूज़ कर सकते हैं और विदाउट ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम विदाउट ग्रिड यूज़ करते हैं, कोई हमें नीचे बैटन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सो हम उस केस में क्या होता है कि हम 10, 12, up to 14mm तक ही इसको यूज करेंगे, क्योंकि 14mm से अगर ज़्यादा अगर हम थिकनेस लेते हैं सो उसमें हमें टंगन ग्रुप की रिक्वायरमेंट आती है। अदरवाइज इसमें आप देख रहे हैं ये बेसिकली फ्लैट है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी टंगन ग्रुप नहीं है। एंड जो हमारा दूसरा सैंपल मैंने अभी आपको दिखाया था वो उसके अंदर टंग भी बना हुआ है, ग्रुप भी बना हुआ है, एंड ये फोर साइड टंगन ग्रुप होती है। हालांकि जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ग्रिड के साथ ही होता है, और नॉर्मली जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर या किसी भी जो एक अच्छे लेवल के जो कोर्ट्स बनाए जाते हैं उसमें हमेशा एक ग्रिड पहले ग्रिड बनाया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर से हम मैपल या टीक फ्लोरिंग यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ एक नॉर्मल अगर आप कोस्ट कटिंग करने के लिए अगर आप बैडमिंटन कोर्ट बनाते हैं, एक
नॉर्मल रेजिडेंस यूज या सोसाइटी यूज के लिए अगर आप बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग करना चाहते हैं तो उस केस में आप फ्लैट वुडन फ्लोरिंग यूज़ कर सकते हैं जो डायरेक्ट फ्लोर पे सरफेस पे पेस्ट होती है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे सारे ऑप्शन थे जो अभी हम बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग में यूज़ करते हैं। एंड जो मैंने सबसे पहला ऑप्शन बताया था सिंथेटिक फ्लोरिंग का, ये बहुत ही ऑब्सोलीट तरीका है, ये आजकल मार्केट के अंदर आउट हो चुका है, इसको बहुत ही कम लोग करते हैं यूज, क्योंकि इसको यूज़ करने का कोई खास बेनिफिट नहीं होता है किसी भी प्लेयर्स को, क्योंकि प्लेयर्स जब प्ले करता है बैडमिंटन कोर्ट के अंदर सो उसको क्या होता है कि इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम रबर फ्लोरिंग या वुडन कोर्ट फ्लोरिंग पे जब प्ले करते हैं उसमें अगर हम फेल डाउन भी होते हैं सो उस केस में किसी भी तरह की इंजरी आने के चांसेस बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम शॉक एब्जॉर्प्शन की बात करें सो सबसे ज़्यादा शॉक एब्जॉर्प्शन रबर फ्लोरिंग, पीवीसी फ्लोरिंग और जो बैडमिंटन वुडन कोर्ट फ्लोरिंग होती है उसी के अंदर सबसे ज़्यादा शॉक एब्जॉर्प्शन किसी भी प्लेयर्स को मिलता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग करने जा रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर या अपने किसी एकेडमी के अंदर या आप किसी भी लेवल पे अगर बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग करना चाह रहे हैं सो आई विल सजेस्ट टू यू, यू शुड गो फर्स्ट ऑफ ऑल बैडमिंटन कोर्ट वुडन कोर्ट फ्लोरिंग एंड सेकेंड वन यू शुड गो विद पीवीसी फ्लोरिंग एंड रबर फ्लोरिंग। दीज थ्री मेथड्स आर मोस्ट रेपुटेड मेथड्स विच यू कैन यूज इन योर बैडमिंटन फ्लोरिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप वीडियो के एंड में वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें आपका ये जो प्यार है ये मिलता रहे और हम अपने वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ हम आपको नए नए वीडियोस, नए नए इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।